तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 87 ऑफ द रियल सुपरहीरो फैक्ट्स। आज मेरे पास एंटमैन 3 मूवी के खराब सीजीआई और वीएफएक्स के रीजन के साथ जोकर 2 मूवी का स्टोरी प्लॉट, वेनम 3 की शूटिंग और शांग-ची के साथ इटर्नल्स मूवी के सीक्वल की अपडेट जैसी कई सारी मेजर और इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं एंटमैन 3 मूवी से, जहां इस मूवी के डायरेक्टर पैटन रीड ने एंटमैन फ्रेंचाइज के पहले 2 पार्ट में दिखे लुइस का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर माइकल पिना का एंटमैन 3 मूवी में ना दिखने का रीजन शेयर करते बोला है कि उनको इस मूवी में मोडॉक के साथ कई सारे और एक्टर्स जैसे कि क्वांटम रेल के फ्रीडम फाइटर को इंट्रोड्यूस करना था और इस मूवी में स्कॉट की फैमिली को मूवी के स्टार्टिंग में ही क्वांटम रेल में दिखाई जाने वाला था। तो इसी वजह से मूवी के अर्ली ड्राफ्ट में ऐसा कुछ प्लान नहीं किया गया कि लुइस और उसके साथी कैरेक्टर्स को दिखाया जाए, और ये मेक सेंस भी नहीं करता कि इतने सारे कैरेक्टर्स के बीच में उन सब कैरेक्टर्स को दिखाया जाए। आगे जब से एंटमैन 3 मूवी रिलीज हुई है, तब से फैंस इसमें दिखाए गए सीजीआई और वीएफएक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एंटमैन 3 और वकांडा फॉरएवर मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब मूवी पर किए जाने वाले वीएफएक्स और सीजीआई वर्क को एक साथ एक टाइम पर किया जा रहा था, पर एमसीयू ने इन दोनों मूवीज में से वकांडा फॉरएवर मूवी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रख के उसका प्रॉपर तरीके से वीएफएक्स और सीजीआई किया गया, और वह एंटमैन 3 मूवी को वकांडा फॉरएवर मूवी के कंपैरिजन में कम टाइम और कम रिसोर्सेज के साथ बनाया गया, और यही एक रीजन था कि एंटमैन 3 मूवी का सीजीआई और वीएफएक्स मूवी में इतना खराब दिख रहा था। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर मूवी से बहुत सारे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के कुछ फंपो पॉप सामने आए हैं, जिनको मैं धीरे धीरे पार कर दे रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिए। अगली अपडेट है सजम 2 स्टार ग्रेस कैरोलिन करी से रिलेटेड, जहाँ एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने रिवील किया है कि सजम मूवी में मैरी ब्रॉमफील्ड का कैरेक्टर प्ले करने से पहले उन्होंने अर्लियर एमसीयू के एक्समैन मूवी में यंग जीन ग्रे का कैरेक्टर प्ले करने को लेकर ऑडिशन दिया था, जिसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाई और इसे गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार सोफी टर्नर ने प्ले किया। एक्समैन की बात हुई है तो एक्समैन साइक्लोप्स एक्टर जेम्स मर्सिडेंस से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो एमसीयू की एक्समैन मूवी में फिर से उनका साइक्लोप्स का कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे कि नहीं, जिस पर उन्होंने कहा है कि एमसीयू के एक्समैन मूवी में फॉर्चर उनका साइक्लोप्स का कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे, जहाँ ये कैरेक्टर उनको बहुत ही करीब है जिसको प्ले करना वो मिस करते हैं। इसके साथ आयना स्टार डोमिनिक थ्रोन ने बोला है कि वो एमसीयू के फ्यूचर की किसी मूवी या फिर सीरीज में एंटमैन कैरेक्टर कैसी लैंग के साथ टीम अप या फिर क्रॉसओवर करना चाहेंगी। अगले अपडेट की बात करें तो एमसीयू में वाल्करी का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्ट्रेस टेसा थॉम्पसन ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा है कि अगर एमसीयू के फ्यूचर में उनका कैरेक्टर वाल्करी और एंटमैन 3 विलन कैंग का भी आमना सामना हुआ, तो वाल्करी का कैरेक्टर कैंग को आराम से हरा देगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ मार्वल स्टूडियोज डेमेस्ट्रियस गॉर्सी के साथ अपकमिंग डिज्नी प्लस वंडर मैन सीरीज में ग्रीम रीपर का कैरेक्टर प्ले करने को लेकर बातचीत में है। यही पे आते हैं द मार्वल्स मूवी पे, जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को अपने ओरिजिनल रिलीज डेट से हटा के 4 मंथ डिले किया गया है, और अभी ये मूवी 10 नवंबर 2023 को रिलीज की जाने वाली है। जहाँ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी को बनाने में और इसके पोस्ट प्रोडक्शन जैसे कि वीएफएक्स और सीजीआई पर काम करने में प्रॉपर टाइम मिल सके, इसलिए इसे 4 मंथ डिले किया आया है। इसके साथ शांग-ची मूवी के अल्टरनेट पोस्ट क्रेडिट सीन की कुछ इमेजेस सामने आई है, जो कि मूवी में दिखाए गए ओरिजिनल पोस्ट क्रेडिट सीन से बिल्कुल ही अलग है। मैं इन इमेजेस को जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। शांग-ची की बात हुई है तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एमसीयू शांग-ची और इटर्नल्स मूवी के सीक्वल को प्लान कर रहा है, जिनको इसी साल शूट किया जाने वाला है। जहाँ इससे पहले भी केवी फाइगी ने कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने शांग-ची मूवी के सीक्वल को पहले ही प्लान कर रखा है, और साथ ही इन रिपोर्ट्स के मुताबिक डिज्नी प्लस अपकमिंग अगाथा क्राउन ऑफ कायोस सीरीज को भी अपने 2023 ओरिजिनल रिलीज ईयर से हटाकर 2024 में स्ट्रीम किया जाने वाला है। आगे बढ़े तो टॉम हार्डी ने उनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के साथ कंफर्म कर दिया है कि वेनम 3 मूवी का प्री प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हो चुका है, जब वेनम 3 के सेट से ये एक वीडियो सामने आई है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके साथ डिज्नी प्लस ने अभी ये कंफर्म कर दिया है कि वॉइसेस राइजिंग द म्यूजिक ऑफ वकांडा फॉरएवर के पहले एपिसोड को फरवरी 8 को स्ट्रीम किया जाने वाला है, जिसमें फैंस को वकांडा फॉरएवर मूवी में यूज हुआ म्यूजिक सुनने को मिलने वाला है। और साथ ही थॉर एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने उनके ट्विटर पर ये पोस्ट करते हुए एमसीयू के अपकमिंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी के लिए एक्साइटमेंट शो करते हुए लिखा था कि एज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फॉरएवर, जिस डायलॉग को हमने इससे पहले एवेंजर्स एंडगेम मूवी के इस सीन में भी सुना था। जहां इस मूवी से ग्रूट के कैरेक्टर का एक पंपो पॉप सामने आया है। अगर डीसीयू की शज़म 2 मूवी के ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली प्रेडिक्शन सामने आया है, जिसके मुताबिक शज़म 2 मूवी अपने वीकेंड में 43 to 52 million dollars का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। जहां इसके पहले पार्ट ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 53 million dollars का बॉक्स ऑफिस
कलेक्शन किया था और साथ ही इस मूवी से एक स्क्रीन एक्स पोस्टर सामने आया है। इसी के साथ डीसी कॉमिक्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने जेम्स गन के नए डीसीयू अमांडा वालर सीरीज से पहले इसी कैरेक्टर का सुसाइड स्क्वाड मूवी से ये एक वीडियो शेयर किया है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट है, जहाँ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि डीसी के अपकमिंग द फ्लैश मूवी को इसकी रिलीज के एक महीने पहले अप्रैल में होने वाले सिनेमाकॉन इवेंट में इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग रखी जाने वाली है और साथ ही इस मूवी के इस सीन से बेन एफ्लेक के बैटमैन का ये एक स्टोरी आर्ट सामने आया है। इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अपकमिंग जोकर 2 मूवी में लेडी गागा के हार्ली क्विन का कैरेक्टर को आर्कम असाइलम की एक पेशेंट दिखाया जाने वाला है, जहाँ कॉमिक्स में ओरिजिनली वो आर्कम असाइलम की एक साइकेट्रिस्ट होती है। तो बस यार, आज के लिए बस इतनी अपडेट थी पूरे मार्वल और डीसी मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।